नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में हर व्यक्ति के मन में एक न एक ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं जिसका उनको जवाब जल्दी नहीं मिलता है। दोस्तों, आज के जीवन में एक आम बात हो गई है कि हर व्यक्ति के मन में होता है, चाहे व्यवसायिक हो चाहे घर का पारिवारिक व्यक्ति हो, उसके मन में यही रहता है कि क्या मेरे दुकान, क्या मेरे व्यवसाय, क्या मेरे कार्यालय या मेरे घर को बंदिश तो नहीं कर दिया गया है, कोई काला जादू टोना तो नहीं कर दिया गया है। उनके मन में बहुत सारे ऐसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बहुत ही छोटा बहुत ही सरल उपाय लेकर उपस्थित हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप इसको कैसे जान सकते हैं कि यह है या नहीं है? दोस्तों, यदि आपको संदेह है, यदि आपको लगता है कि आपके घर या दुकान में किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने काला जादू टोना कर दिया है, तो उसके जानने के लिए दोस्तों आप बहुत ही छोटा कि 3 किलो पालक आप मंगलवार या शनिवार शाम को अपने घर में या तो आपको दुकान में रख लेनी चाहिए दिन को। दोस्तों, और जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 किलो पालक मंगलवार या शनिवार शाम को घर या दुकान में रख लें और अगले दिन इसे दुकान या अपने घर में सभी जगह घुमाकर गाय को डाल देनी चाहिए। दोस्तों, यदि गाय इसे सूंघकर छोड़ दे तो समझना चाहिए कि घर या दुकान में बंदिश है। अगर इस पालक को गाय खा ले तो दुकान या घर आपकी जो है वह बंदिश मुक्त है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, आपके मन का वहम है। दोस्तों, यह बहुत ही छोटा बहुत ही सरल उपाय है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको इसका अनुभव होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में बंदिश है या नहीं। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।